हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल आरआर रीजनिंग क्लासेस। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से एक न्यू अपडेट, जैसा कि दिया गया है आप ऊपर देख सकते हैं। सैकड़ों शादी ओएमआर नहीं भर सके शिक्षक बनने के अंक। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जब ये सहायक अध्यापक का जब पेपर जब हुआ था, तो उसमें जो है बहुत से अभ्यर्थियों ने, मतलब जिन्होंने पैसे ले दे के अपना काम करवाया है, उसमें जो सैकड़ों शादी ओएमआर छूट गई थी, जैसा कि दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की लिखित परीक्षा में जालसाज सभी चहेतों को सफल नहीं करा सके। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई और चहेतों को उत्तीर्ण कराने और पेपर आउट के आरोप रिजल्ट आने के बाद तेज़ी से आने लगे। वजह जालसाजों के झांसे में आने वालों को एतबार था कि वे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में ओएमआर सीट नाम अनुक्रमांक आदि सूचनाएं भरकर शादी छोड़ दी, लेकिन कुछ ने ओएमआर आधी अधूरी भरी। ऐसा करने वालों के अरमानों पर पानी तब फिर गया जब उनके ओएमआर में शिक्षक बनने लायक अंक नहीं भरे जा सके। रिजल्ट में उन्हें इकाई में ही अंक मिले। जालसाजों के खेल को सिलसिलेवार समझिए। भर्ती का रिजल्ट आने के बाद अनुत्तीर्ण राहुल सिंह नामक अभ्यर्थी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसे पास कराने के लिए धन लिया गया, वह अनुत्तीर्ण है। पुलिस ने जांच शुरू की तो शिक्षा माफिया पकड़ में आए और कई और की जांच एसटीएफ कर रही है। ऐसे ही रेखा वर्मा नाम के अभ्यर्थी ने सही मूल्यांकन ना होने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। अर्जी में कहा कि उसे 90 से अधिक अंक मिलने चाहिए, लेकिन 3 अंक ही मिले। कोर्ट ने परीक्षा संस्था से ओएमआर तलब की तो वह शादी निकली। हालांकि रेखा याचिका खारिज होने पर मौन है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में रेखा के अलावा सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओएमआर शादी रखी है। कई ने तो कुछ प्रश्नों का जवाब भरा है, बाकी को छोड़ दिया है। कुछ सवाल हल करने वाले अभ्यर्थियों को हो सकता है कि वो सभी का जवाब ना आता रहा हो, लेकिन शिक्षक बनने के लिए इम्तहान देने वालों का पूरी ओएमआर शादी छोड़ना संभव नहीं है। क्या उन्हें एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था? उनकी तैयारी इतनी लचर थी कि परीक्षा में शामिल क्यों हुए? मान लें कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो दिखाने के लिए परीक्षा में बैठे और जवाब ना आने पर ओएमआर शादी छोड़ी, लेकिन कुछ बड़ी संख्या में ऐसा करने का यही संकेत है कि उन्हें निर्देश था कि ओएमआर पर कुछ ना लिखें। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी बताते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET व अन्य परीक्षाओं में इस तरह से बड़े पैमानों पर ओएमआर शादी नहीं मिली है जितनी इस परीक्षा में मिली है। कुछ अभ्यर्थियों ने ओएमआर अधूरी छोड़ी है, जैसा कि इस न्यूज़ में दिया गया है, बताया गया है कि ओएमआर सीट तो हाँ माना भी जा सकता है, माना भी नहीं मानना चाहिए कि ओएमआर, देखिए कोई भी अभ्यर्थी हो, अगर उसका प्री अगर निकला है, प्री अगर वो क्वालिफाइड है, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, है ना। आप भी मान रहे होंगे जब TET का पेपर हुआ, TET में अभ्यर्थी जब पास होगा तभी सहायक अध्यापक का फॉर्म भरेगा और उसका पेपर देगा, है ना। तो अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं, मतलब कुछ ओएमआर छोड़ रहे हैं, शादी छोड़ रहे हैं, तो उसमें फिर यही माना जाएगा कि ये इनका इधर से उधर जुगाड़ बना रहे हैं ना, कि अपना सिलेक्शन का किसी भी तरह से पैसे का लेन देन करके अपना सिलेक्शन करवाएं। वैसे ये तो गलत किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी पढ़ने में अच्छे होंगे उनका मनोबल गिरेगा ना, और कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी गलती से, अब जैसे फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड अभी एक न्यूज़ आई थी कि फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय उनकी त्रुट हो गई है, तो उनकी छोटी मोटी त्रुटियों को सही करने का मौका भी दिया जाए, हमारा ये भी मानना है, क्योंकि इसमें से बहुत से अभ्यर्थी जो हैं अच्छे अंक भी पाए हैं, लेकिन उनके में थोड़ी त्रुट हो गई है, जैसे पूर्णांक प्राप्तांक में, तो उनको थोड़ा बहुत मौका दिया जाए सही करने का, और उनको अपनी नौकरी मिले तो ज़्यादा सही रहेगा। और जल्द हमारा बस यही मानना है कि जल्द से जल्द इन लोगों को नियुक्त कराई जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, धन्यवाद।